पृथ्वी के सूर्य से लगभग 30 गुना अधिक दूर नेपच्यून हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। अंधेरा, ठंडा और सुपरसोनिक हवाओं से प्रभावित बर्फ का विशालकाय नेपच्यून हमारे सौर मंडल का 8वां और सबसे दूर का ग्रह है। 1846 में अपनी खोज के बाद नेपच्यून ने 2011 में अपनी पहली 165 वर्षीय कक्षा पूरी की। नेपच्यून हमारे सौर मंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है जो 1200 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से तेज हवाएं चला सकता है। यहाँ हम अपने ग्रह पर जो रोशनी देखते हैं वह नेपच्यून पर सूर्य के प्रकाश से लगभग 900 गुना अधिक चमकदार है। बर्फ का विशालकाय नेपच्यून गणितीय गणनाओं के माध्यम से खोजा गया पहला ग्रह था। अर्बेन ले वेरियर द्वारा की गई भविष्यवाणियों का उपयोग करते हुए जोहान गैले ने 1846 में ग्रह की खोज की थी। ग्रह का नाम समुद्र के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। नेपच्यून का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल नहीं है जैसा कि हम जानते हैं। तापमान, दबाव और सामग्री जो इस ग्रह की विशेषता है संभवतः जीवों के अनुकूल होने के लिए अत्यधिक चरम और अस्थिर हैं। नेपच्यून पर एक दिन लगभग 16 घंटे का होता है और नेपच्यून लगभग 165 पृथ्वी वर्ष यानी कि 60,190 पृथ्वी दिवस में सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा करता है। नेपच्यूनियन पर एक वर्ष 165 पृथ्वी वर्ष के बराबर होता है। कभी कभी नेपच्यून ग्रह सूर्य से भी अधिक दूर हो जाता है। नेपच्यून के पास लगभग 14 चंद्रमा हैं। नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा ट्राइटन की खोज 10 अक्टूबर 1846 में विलियम लैसेल द्वारा की गई थी। जोहान गॉटफ्रीड गैले द्वारा ग्रह की खोज के ठीक 17 दिन बाद, चूंकि नेपच्यून का नाम समुद्र के रोमन देवता के नाम पर रखा गया था इसलिए इसके चंद्रमाओं का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में विभिन्न छोटे समुद्री देवताओं और अप्सराओं के नाम पर रखा गया है। ट्राइटन सौर मंडल का एकमात्र बड़ा चंद्रमा है जो ग्रह के घूमने के विपरीत दिशा में अपने ग्रह की परिक्रमा करता है, जो यह बताता है कि यह एक बार एक स्वतंत्र वस्तु रही होगी जिसे नेपच्यून ने पकड़ लिया होगा। ट्राइटन बेहद ठंडा है। सतह का तापमान 0 से 391 डिग्री फॉरेनहाइट के आसपास है और फिर भी ट्राइटन में इस गहरी ठंड के बावजूद वोयाजर 2 ने 5 मील लगभग 8 किलोमीटर से अधिक ऊपर की ओर बर्फीले पदार्थ जैसे उगलते गीजर की खोज की। ट्राइटन का वातावरण, जिसे वोयाजर ने भी खोजा था, तब से कई बार पृथ्वी से पता लगाया गया है, यह पहले से और भी अधिक गर्म हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों है। संरचना नेपच्यून बाहरी सौर मंडल में दो बर्फ के जेंट्स में से एक है और दूसरा यूरेनस है। ग्रह का अधिकांश 80% से अधिक द्रव्यमान एक छोटे चट्टानी कोर के ऊपर बर्फीले पदार्थों, पानी, मीथेन और अमोनिया के गर्म घने तरल पदार्थ से बना है। विशाल ग्रहों में नेपच्यून सबसे घना ग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून के ठंडे बादलों के नीचे अत्यधिक गर्म पानी का महासागर हो सकता है। यह उबलता नहीं है क्योंकि अविश्वसनीय रूप से उच्च दबाव इसे अंदर बंद रखता है। नेपच्यून के पास कोई ठोस सतह नहीं है। इसका वायुमंडल ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है और यह काफी गहराई तक फैला हुआ है, जो धीरे धीरे पृथ्वी के समान द्रव्यमान वाले भारी ठोस कोर पर पानी और अन्य पिघली हुई बर्फ में विलीन हो जाता है। नेपच्यून का वायुमंडल अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम और थोड़ी सी मीथेन से बना है। नेपच्यून के पड़ोसी यूरेनस का रंग ऐसे वायुमंडलीय मीथेन के कारण नीला हरा है, लेकिन नेपच्यून अधिक चमकीला चमकीला नीला है, इसलिए कोई अज्ञात घटक होना चाहिए जो अधिक तीव्र रंग का कारण बनता है। नेपच्यून हमारे सौर मंडल की सबसे तेज हवा वाली दुनिया है। सूर्य से इसकी अधिक दूरी और कम ऊर्जा इनपुट के बावजूद नेपच्यून की हवाएं बृहस्पति की तुलना में 3 गुना और पृथ्वी की तुलना में 9 गुना अधिक तेज हो सकती हैं।
ये हवाएं 1200 मील प्रति घंटे लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से पूरे ग्रह पर जमे हुए मीथेन के बादलों को उड़ाती हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली हवाएं भी केवल 250 मील प्रति घंटे यानी कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। 1989 में नेपच्यून के दक्षिणी गोलार्ध में ग्रेट डार्क स्पॉट नामक एक बड़ा अंडाकार आकार का तूफान आया जो पूरी पृथ्वी को घेरने के लिए पर्याप्त था। वह तूफान तब से गायब हो गया है, लेकिन ग्रह के विभिन्न हिस्सों में नए नए तूफान सामने आते रहते हैं। नेपच्यून के चुंबकीय क्षेत्र की मुख्य धुरी ग्रह के घूर्णन अक्ष की तुलना में लगभग 47 डिग्री झुकी हुई है। यूरेनस की तरह, जिसका चुंबकीय अक्ष घूर्णन अक्ष से लगभग 60 डिग्री झुका हुआ है, नेपच्यून का मैग्नेटोस्फियर इस गलत संरेखण के कारण प्रत्येक घूर्णन के दौरान जंगली बदलावों से गुजरता है। नेपच्यून का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में लगभग 27 गुना अधिक शक्तिशाली है।